the wrestling community in india was shaken when sakshi malik bajrang Punya, and vinesh forgot decided to sit on jantar mantar to protest against the then president of wfi Bridge bhushan sharan singh and today sakshi malik joins us for a tell all interview sakshi firstly thank you so much for being here thank you karishma शुरुआत करना चाहूंगी साक्षी रेसलर्स प्रोटेस्ट की जब हम बात करते हैं आप एक बहुत बड़ा चेहरा थे उस प्रोटेस्ट और आपका कहना है कि वो जो मूवमेंट है वो अभी भी स्टार्ट है आपको सच में ऐसा लगता है क्योंकि हमें बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि जो तीन लोग थे वो अब बिखर गए हैं नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है और देखो जब तक हम हैं जब तक हमने ये जैसे जो भी ये लड़ाई उठाई थी जो ये मुद्दा उठाया था जब तक इसको पूरा एंड तक इसका रिजल्ट नहीं निकल जाता जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट में केस चल रहा है जब तक सजा नहीं मिल जाती हम सब साथ हैं और हम सब इस चीज के बिल्कुल आ, मतलब उसमें है कि ये हमारी लड़ाई जारी है बजरंग तो, साक्षी और विनेश जो एक टाइम पर एकदम एक साथ रहते थे आज उसमें से दो जो हैं कांग्रेस पार्टी में हैं आ, उनका पॉलिटिक्स ज्वाइन करना क्या आपको सही लगा क्योंकि आपने बार बार कहा था कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकल नहीं है पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है आ, देखो जब शुरुआत की थी तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड था जो भी था सबको पता है अभी तो सबको पता भी चल गया कि जो प्रोटेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी किसने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी किसने दिलवाई तो दिल्वाई ये बबीता और तीरथ राणा ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी तो जब तक हमारे मन में कोई ऐसा यू नहीं था कि कोई पार्टी या किसी पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है बस हमें था कि हम एक अच्छे कोर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो बिल्कुल हम तो अपने बिल्कुल सीधे मन से और कि फेडरेशन में सुधार हो बदलाव हो इस चीज को लेकर के हमने प्रोटेस्ट किया तो साक्षी आप कह रहे हो कि बबीता फोगाट ने आप लोगों को कहा था ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ, बबीता फोगाट ने परमिशन दिलवाई और Uh, उसने बिल्कुल अप्रोच किया था कि प्रोटेस्ट के दौरान हम आवाज उठा करके और जैसा कि सबको पता है कि ब्रिजभूषण का आज भी पता है पहले भी पता था पूरे रेसलिंग जगत को पता है कि वो uh, कैसा आदमी है uh, हैरेसमेंट करता था फेडरेशन में तो uh, बिल्कुल ये इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं लेकिन हमें भी यूं लगा कि ठीक है चेंज के लिए क्यों नहीं आगे इस चीज के लिए आगे बढ़ा जाए क्यों नहीं एक बदलाव के लिए लड़ा जाए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो जो चीज 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 हमने फेस की वो वो आगे वाली आने वाली आने जूनियर लड़कियां हैं हैं लड़के है, सहन करें इस चीज़ को साक्षी बबीता फोगाट ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट डाला है मैं श्योर नहीं हूं आपने देखा या नहीं देखा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी उन्होंने लिखा है खुद के किरदार से जगमगाओ उधार की रोशनी कब तक चलेगी किसी को विधानसभा मिली किसी को मिला पद दीदी तुमको कुछ ना मिला हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई ये बबीता फोगाट ने आज सुबह लिखा है क्या कहना चाहेंगी नहीं करिश्मा देखो अभी तो ये कुछ भी बोलेगी सफाई देगी तो मैं इस चीज के मैं इस चीज के गंध में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ और सच्चाई है सबको पता है प्रोटेस्ट की परमिशन का लेटर है वो हम सब के पास है विनेश के इंटरव्यू में भी देखोगे उन्होंने विनेश ने भी मेंशन किया है कि ये प्रोटेस्ट की जो परमिशन दिलवाने वाली बबीता फुगाट और तीरथ राणा था तो इसमें तो कोई दोराई है ही नहीं तो ये तो अपनी अपनी बेचारी झूठ को कितना भी छुपा लेगी मेरे ऊपर कुछ भी डालेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो मैं इस चीज का रिप्लाई देना सही नहीं समझती हूँ कि जो मेरी सच्चाई थी वो मैंने बता दी वो विनेश ने बता दी वो बजरंग ने बता दी हम तो सच के लिए बैठे थे वो लड़ाई तभी भी चल रही थी आज भी चल रही है साक्षी जब विनेश और बजरंग ने यह फैसला किया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे विनेश ने ये फैसला किया बजरंग ने उनका साथ दिया तो क्या आपसे बात की गई थी इस बारे में क्या आपका ओपिनियन लिया गया था और आपको क्या लगता है उनको ये करना चाहिए था क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारे देश की लड़कियों के लिए एक स्टैंड लेने की और ये इंश्योर करने की कि जो आप लोगों पर गुजरी है वो उनपे ना गुजरे जी Uh, देखो वो उनका निजी फैसला था वो मैं पहले से ही बोलती आई हूं कि उनका निजी फैसला था उनको लगा कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उन तो उसमें वो उनकी चॉइस है सबकी लाइफ में अब अपनी चॉइस है अपना आ, आ, डिसीजन लेने का अपना खुद का चॉइस है तो उन्होंने पॉलिटिकल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो उनका डिसीजन था लेकिन इससे ये थोड़ी है कि हमारा प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा या जो हमारी लड़ाई है वो खत्म हो गई या हम तीनों जो है वो अलग हो गए अः जब से बुक रिलीज हुई है मैं देख रही हूँ कि आ, मेरे बजरंग और विनेश में जो है आ, मीडिया कुछ मीडिया चैनल्स जो है घुमा फिरा के बातों को पेश कर रहे हैं कि साक्षी बोल रही है कि बजरंग विनेश ने तो लालच ले लिया था मैंने कहीं बोला है। नहीं नहीं कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ना पूरी बुक पढ़ो पहले प्रॉपर मैंने बोला ही नहीं कि उन्होंने लालच लिया मैं, मैंने तो ये किया था कि हम जब अलग हो गए प्रोटेस्ट के बाद ट्रेनिंग करने के लिए आप अपनी जगह पर तो शायद उनको दिमाग में किसी ने डाल दिया कि आप एशियन गेम्स चले जाओ अगर हम साथ होते तो हम मिलकर डिसीजन लेते कि ये फैसला जो है विरुद्ध जाएगा हमारे प्रोटेस्ट के विरुद्ध जाएगा आप ये फैसला मत लो डायरेक्ट एशियन गेम्स का फैसला आप ठुकरा दो वो मैं यूएस में थी ट्रेनिंग कर रही थी विनेश बुल्गारिया में थी हंगरी में थी बजरंग कहीं रशिया में था तो सब अब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हुआ ना तो उसकी वजह से आ, 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 उन्होंने जो है वो डिसीजन लिया कि ठीक है हम एशियन गेम्स में जाएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लालच लिया उनको वो ठीक लगा उन्होंने कि आपको फैसला एक... गलत लगा कि उनको वो एग्जाम शायद नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उससे तरीके से पेश किया जा रहा है आ, की, आ, की साक्षी ने बोला कि बशंत गणेश ने तो लालच ले लिया ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं मैं क्यों उनके मतलब खिलाफ बोलूंगी फोन नीचा हम तो करियर पे दाव पे लगा के बैठे थे हम तो अपना सब कुछ धाप लगा करके बैठे थे मेरे पास तो ओलंपिक मेडल था भजन के पास भी था विनेश तो कितने सालों से उस चीज के पीछे पड़ी थी कि मुझे भी ओलंपिक मेडल चाहिए कौन नहीं चाहेगा कौन एथलीट ऐसे अपना करियर वो कर देगा तो उन्होंने डिटीजन लेना सही समझा बस वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो गया बाकी मैं कहना चाहूंगी कि मेरी पूरी बुक पढ़ो यूं नहीं है कि उसका कुछ भी एक पार्ट उठा करके आप हम तीनों के बीच में आप लड़ाई डलवा रहे हो हाँ वो पार्टी ज्वाइन की वो उनका फैसला है लेकिन यू नहीं कोई, आ, आ, कोई, आ, हम, हम है साक्षी, जो प्रोटेस्ट था, जानना चाहूंगी, क्या उसको पॉलिटिकल सपोर्ट था क्या वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था नहीं कुछ भी नहीं था हम बार बार आपको आप, आपने पूरा प्रोटेस्ट फॉलो भी किया आप देख भी रहे कि हम बार बार बोल रहे थे कि सभी का वेलकम है बस आके हमारा सपोर्ट करो Uh, जो फेडरेशन में चल रहा है जो सेक्सुअल uh, हेरेसमेंट uh, चल रहा है जो और भी बहुत चीजें चल रही हैं उसको हमें ठीक करना है हमें एक अच्छी फेडरेशन बनानी है तो कोई भी आके सपोर्ट करो हमने तो सबको लेटर्स भी लिखे सबको बोला कि आओ हमें सपोर्ट करो तो पॉलिटिकल कुछ नहीं था हम बिल्कुल सीधी नीत अच्छी नीत से बैठे थे अपनी फेडरेशन को क्लीन करने के लिए बैठे थे और वो स्टैंड पे हम आज भी हैं और हमेशा रहेंगे साक्षी आपसे जानना चाहूंगी आपको पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने के ऑफर आए हैं और अगर आए हैं तो कौन सी पार्टी से आए हैं आ, देखो पहले आए थे आ, कि आप ऐसे जाओ इलेक्शन खेल लो मतलब इलेक्शन लड़ लो तो मेरा कोई अब जब इंटरेस्ट था नहीं मतलब ना अभी भी कौन है सी पार्टी से था आपको देखो अभी डिस्क्लोज करने से क्या ही फायदा जो मैं जाना ही नहीं चाहती तो क्या ही मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं मैंने तो, शुरू में कहा ये एक टेल ऑल इंटरव्यू होने वाला है तो मुझे लगा साक्षी मलिक सब चीजों का जवाब देंगी आज नहीं फिर भी मतलब जब जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं उसकी बात ही नहीं करनी जिस चीज के बारे में बुक में बात है जो हम चीज रोलिंग पार्टी सामने रखना चाहते हैं पार्टी थी <laughs> इसमें तो कोई बात है कि आप वही बात है छोड़ा इस क्वेश्चन को तो क्या ही है लेकिन मेन बात है कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है और फ्यूचर में आ, हो सकता है अभी, अभी तक नहीं अभी तक मेरा यू ही है कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी रहना चाहती हूँ मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाहती हूँ और साक्षी आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहूंगी कल अगर आपने देखा हो कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात करते हैं उसमें से रेसलिंग को हटा दिया गया है शूटिंग को हटा दिया गया है बैडमिंटन को हटा दिया गया है हॉकी को भी हटा दिया गया है तो आपको लगता है इंडिया का कोई पॉइंट भी रह जाएगा एक टीम भेजने का और आपको लगता है एक सीरियस स्टेप लेने की जरूरत है या ये ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स गेम्स बॉयकआट करने की जरूरत है क्योंकि इंडिया के सारे टॉप मेडल प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं उन स्पोर्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है अः बिल्कुल देखो मेरे को भी कल ये न्यूज सुनने को मिली और मुझे बड़ा ही वो लगा क्योंकि हर एथलीट का यू होता है एक सपना होता है एक टारगेट होता है कि हम अभी इस चीज के लिए ट्रेनिंग करेंगे अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे एशियन गेम्स हैं चार साल बाद ओलंपिक्स है तो एक टारगेट बना रहता है और सडनली जो है मेन मेन गेम्स जो है कॉमनवेल्थ में से हटा दिए गए हैं तो एथलीटों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट उनको मिलता बहुत अच्छा एक्सपोजर उनको, उनको एथलीट तो जो है नहीं जा पाएंगे लिया, हर कंट्री करती है कि वो कौन से स्पोर्ट्स चूज करना चाहती है तो बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं आयो आवाज उठा सकती है कि गेम्स को इंक्लूड किया जाए आप ओलंपिक्स की भी बात कर रही थी तो मैं जानना चाहूंगी आपसे विनेश का जो हमने ओलंपिक्स में देखा जो हुआ सौ ग्राम से वो रह गई उसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है क्योंकि हमने दोनों तरफ से नैरेटिव देखे हैं हैं जहां पे विनेश कहती कि उनको आईओए का कोई सपोर्ट नहीं मिला आईओ कहता है कि वो पूरे उनके टीम की जिम्मेदारी थी वेट मैनेजमेंट करना विनेश के साथ पांच लोग विलेज में रुके हुए थे बाकी लोग बाहर थे तो वेट मैनेजमेंट जो होता है क्योंकि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं एथलीट की जिम्मेदारी होती है या और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें देखो इसमें ना मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो सबसे पहले जो भी वहां 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 हुआ मैं मैं थी नहीं उस वहां का एग्जैक्टली बता नहीं सकती लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी मैंने इसने अपना हंड्रेड परसेंट दिया कोई एथलीट नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से जो है एक ओलंपिक मेडल मिस हो हालांकि वो तो अः सिल्वर तो हाथ में था ही और वो गोल्ड की दावेदार थी जब से उसने जापनीज रेस्लर को हराया था तो आ, उसने मेरी उससे बातचीत भी हुई और मैं एक मैं उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी उसके साथ बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं बहुत सारे कंपटीशन वेट कट किया है तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए वो दौर तो ये मैं तो ये देखो थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ क्योंकि मैं मेरे हाथ से इतनी बड़ी चीज कभी छीनी नहीं है मेरा मेरे पास ओलंपिक मेडल है तो वो मैं समझ सकती हूँ कि एक एथलीट के हाथ में बिल्कुल उसका ओलंपिक मेडल है और एकदम से जो है वेट नहीं आया तो दिनेश ने अपना बेस्ट पॉसिबल कोशिश की वेट कट करने की अः बस मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद जो है देखो यू के रूल्स आ जाते हैं जो हंड्रेड ग्राम्स है तो यू तो दस ग्राम पे भी नहीं मानता तो हंड्रेड ग्राम्स तो देखो विनेश का ज्यादा था तो इसमें किसी की गलती नहीं है विनेश ने अपने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की उसके देखा मैंने वो उसने बाल भी बिल्कुल इतने करवा लिए कौन लड़की चाहेगी कि उसका लुक ऐसा हो तो उससे जो भी बन पड़ा उसने मतलब वेट दिखाने के लिए किया साक्षी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक विटनेस थैंक यू